press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब बाय राकेश। दोस्तों, मैं हूं आरके यादव और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब बाय राकेश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक नई जॉब की नोटिफिकेशन लेके आया हूं। दोस्तों, आज का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो SSC यानी कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि केंद्रीय कार्यालय परिसर लोधी रोड नई दिल्ली में इसका ऑफिस है, वहाँ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंदर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और हिंदी प्रधानाध्यापक के पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इनमें एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई कैसे करें, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में विस्तार से देने वाला हूँ, इसलिए प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आप देख सकें हर एक सरकारी नौकरी की ताज़ा अपडेट सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप इस जॉब के अंदर आवेदन करने से पहले एक बार फुल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लें और उसी के बाद आप इसके अंदर आवेदन करें। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप पूरी जानकारी हासिल कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के अंदर कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि ब्लॉक 12 केंद्रीय कार्यालय परिषद लोधी रोड नई दिल्ली की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंदर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और हिंदी प्रधानाध्यापक के पदों की वैकेंसी निकल के आ रही है। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनके बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन अप्लीकेशन सबमिट करने की डेट, यानी 27 अगस्त 2019 से 26/9/2019 तक आप ऑनलाइन अप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट है 26/9/2019 शाम को 5 बजे तक। फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 28/9/2019 शाम को 5 बजे तक। और ऑफलाइन चालान की लास्ट डेट है 28/9/2019 शाम को 5 बजे तक। और जो चालान के माध्यम से आप फीस पेमेंट कर रहे हैं उसकी लास्ट डेट है 30/9/2019। और दोस्तों, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा पेपर एक, वो आपका 26 तारीख को यानी 26 नवंबर 2019 को कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका होगा, इसलिए आप पूरी तैयारी कर लें, जो कि 26 नवंबर 2019 को आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं वेतन और पोस्टों की। तो सबसे पहले नंबर एक पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेटर, जिसके लिए आपको लेवल 6 की वेतन दी जाएगी 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये पर मंथ। नंबर दो पे है जूनियर ट्रांसलेटर इन MO रेलवेज रेलवे बोर्ड्स, जिसके लिए भी आपको लेवल 6 की वेतन दिया जाएगा 35,400 से 1,12,400 रुपये पर मंथ। नंबर तीन पे है दोस्तों जूनियर ट्रांसलेटर इन आर्मड फोर्स हेडक्वार्टर, जिसके अंदर आपको लेवल 6 की वेतन 35,400 से 1,12,400 तक वेतन दिया जाएगा। नंबर चार पे है दोस्तों जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इनके पदों के लिए आपको लेवल 6 की वेतन 35,400 से 1,12,400 तक वेतन दिया जाएगा। आगे दोस्तों, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंदर इनको नौकरी मिलती है, ये है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जिसके लिए लेवल 7 की पे दी जाएगी 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये पर मंथ। और लास्ट में दोस्तों, हिंदी प्रधानाध्यापक इन सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसके लिए लेवल 8 की पे दी जाएगी 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये पर मंथ। दोस्तों, नंबर चार पे है अगर आप इंडियन सिटीजन हैं या नेपाल और भूटान के नागरिक हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज आप किसी अदर कंट्री के नागरिक हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते। दोस्तों, आगे हैं नंबर पाँच के ऊपर एज लिमिट यानी आयु सीमा, जो कि दिनांक 1/1/2020 को उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 साल होनी चाहिए, जिसके अंदर अपर जो एज लिमिट दी गई है इसमें कैटेगरी वाइज उम्मीदवारों को इसमें छूट दी जाएगी।
तो अभी हम देख लेते हैं कि कौन से उम्मीदवारों को कितनी छूट दी जाएगी। नंबर एक पे है एससी एसटी कैंडिडेट जिनको 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नंबर दो पे ओबीसी कैंडिडेट जिसके 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नंबर तीन पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जिसको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और नंबर चार पे है पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी इनको 13 साल की छूट दी जाएगी। और नंबर पाँच पे पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी इनको 15 साल की छूट दी जाएगी। आगे नंबर छः पे है दोस्तों एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन उम्मीदवार हैं उनको सर्विस आफ्टर 3 साल के बाद मिलिट्री सर्विस के जो 3 साल होंगे उसके बाद तक वो आवेदन कर सकते हैं। नंबर सात पे है दोस्तों जम्मू और कश्मीर के नागरिक, उनको 5 साल की इसमें छूट दी जाएगी। नंबर आठ पे डिफेंस पर्सनल डिसेबल जो है उनको 3 साल की छूट दी जाएगी। और नंबर नो पे दोस्तों जो डिफेंस पर्सनल डिसेबल पर्सनस हैं एससी एसटी के उम्मीदवार उनको 8 साल की इसमें छूट दी जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। दोस्तों आगे है अप्लाई कैसे करें, यानी हाउ टू अप्लाई। इसके लिए दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एसएससी की विभागीय वेबसाइट है जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके ऊपर डायरेक्ट जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 26/9/2019 शाम को 5 बजे तक है। आगे दोस्तों नंबर 10 पे एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। दोस्तों फ़ीस आप भीम यूपीआई या नेट बैंकिंग, वीसा, मास्टर कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से आप फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। वुमेन कैंडिडेट और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं लगेगा। दोस्तों फ़ीस पेमेंट आप 28/9/2019 शाम को 5 बजे तक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसकी जानकारी हमने आपको दी। अगर दोस्तों आप इससे संबंधित ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक दिया है जहाँ से आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के बाद ही आप इसमें आवेदन करें। और अगर दोस्तों आप सरकारी नौकरी संबंधित और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। धन्यवाद।